इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि ग्रेजुएशन थर्ड ईयर के परीक्षाओं को लेकर के जारी की गई हैं, कुछ गाइडलाइंस तो देख सकते हैं कि इसमें परीक्षा संबंधित यानी कि थर्ड ईयर के जो इलाहाबाद बोर्ड की परीक्षाओं का एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये परीक्षाएं 7 जून 2022 से शुरू होकर के 16 जुलाई 2022 तक जारी रहेंगी। दो शिफ्ट में ये परीक्षा कराई जाएंगी, यानी कि एक मॉर्निंग शिफ्ट की परीक्षा होगी और दूसरी इवनिंग शिफ्ट में कराई जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा होगी, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, उसी के साथ में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर जो आपका हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों ही प्रकार में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ स्टैटिक्स मैथमेटिक्स और लिटरेचर सब्जेक्ट्स को छोड़ करके ये पेपर आपका एक ही लैंग्वेज में पूछा जाएगा। जितने नंबर का पेपर होता है उतने ही सवाल होते हैं, यानी कि मान लीजिए कुछ पेपर आपका 30 नंबर का होगा तो 30 सवाल पूछे जाएंगे, अगर आपका 40 नंबर का पेपर होता है तो 40 नंबर, 100 नंबर का पेपर होगा तो 100 सवाल पूछे जाएंगे। सभी सवाल एक नंबर के होंगे, यानी कि जितने भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे पेपर में वह सभी प्रश्न एक नंबर के होंगे। सवाल आपका जो सिलेबस है उसी के अंदर से ही पूछा जाएगा। एक सवाल के लिए आपको यानी कि हर एक प्रश्न के लिए आपको दो मिनट का समय दिया जाएगा, तो आप उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे उसका डबल आपको टाइम मिलेगा। टाइमर सिस्टम लगा होगा, यानी कि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसमें आपका टाइमर सिस्टम पहले से ही सेट कर रखा होगा। जैसे ही आपका टाइम ओवर होगा तो आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो पाए ना हो पाए, आपका वो एग्जामिनेशन का विंडो क्लोज्ड हो जाएगी। परीक्षाएं ऑनलाइन मोड से घर से ही स्टूडेंट दे सकते हैं, आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी यूज़ करके ये परीक्षाएँ दे सकते हैं।